खरगोन जिले के ऊन थाना क्षेत्र के गांव केली में 30 जून को महिला के कंधे पर पति को बैठाकर गांव में घुमाने के मामले में पुलिस ने 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। SDOP ने बताया कि करीब 45 साल की यह महिला पति से अक्सर विवाद होने से 5 माह से काका के पास रह रही थी। यह बात महिला के भाइयों और पति को नागवार गुजरी। इसके बाद भाइयों और पति ने चाचा सहित महिला की बाल पकड़कर पिटाई की। वे यहीं नहीं रुके, उन्होंने पति को महिला के कंधे पर बैठाकर गांव में घुमाया। इसकी सूचना पर 100 डायल पहुंची थी। लोगों ने बताया था पारिवारिक विवाद था, समझौता हो गया। इसके कुछ दिन बाद वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया। इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें महिला का पति, भाई सहित अन्य शामिल है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। एक महिला को महिला के कंधे पर व्यक्ति को बिठा के घूमने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने पहले तो प्रकरण कायम कर लिया और कुछ लोगों की गिरफ्तारी सामने आई है। पूरा क्या मामला है? देखिए, 30 जून को 100 डायल के इवेंट के बाद पुलिस जहाँ मौके पर पहुंची थी, तो जो ये मालूम पड़ा था कि पारिवारिक विवाद केली में हुआ है और उन दोनों पार्टी में आपस में समझौता हो गया था पति पत्नी। बाद में एक वीडियो वायरल हुआ, जब वो हमारे पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह साहब द्वारा उसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया और फिर हमने इसकी जाँच पड़ताल की तो ये पाया गया कि 30 जून को एक उसके जो पीड़िता है उसके काका के घर 3-4 महीने से रहने के कारण उसके पति, उसके भाई और अन्य लोग और मोहल्ले वालों ने उसको न सिर्फ मारा पीटा था, बल्कि उसको खुद के पति को कंधे पर बिठा के घूमने पर मजबूर किया था। विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। तत्काल जो नामजद 5 बताए थे पीड़िता ने, उनको गिरफ्तार कर लिया था। 3 लोगों को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया था, जो वर्तमान में आज तक जेल में है। उसके बाद ये सभी लोग जो आरोपी थे ये गुजरात भाग गए थे और वहाँ मजदूरी आदि कर रहे थे। कल ऊन थाना प्रभारी गीता सोलंकी ने हिकमत अमली से 18 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनको आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। जितने भी वीडियो में जो लोग भी मूक दर्शक बनकर इस कृत्य को मूक सहयोग दे रहे हैं, उनको भी हमने एक संदेश देने के लिए उनको भी मुलजिम बनाया है और सभी लोग जितने भी इस वीडियो में दिखे हैं सबको गिरफ्तार कर लिया है। जिन्होंने वीडियो बनाए थे मौके पर उनको भी गिरफ्तार किया गया है और उनसे वो वीडियो भी जब्त किए गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।